हेलो दोस्तों, फिर से आपके लिए स्वागत है हमारे इस चैनल डीजे ब्लॉक में। मैं हूं शुभ दोस्तों, और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट, यानी एक एम्पलीफायर। चार चैनल का एक एम्पलीफायर है दोस्तों, और ये काफ़ी एक अच्छा एम्पलीफायर है। इसको मैं खुद पर्सनल भी यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे पर्सनली मैंने इसको परचेस करा है। तो यहाँ पे आप जान सकते हैं कि एम्पलीफायर कितना खास होने वाला है। इस वीडियो में टेस्टिंग काफ़ी अच्छी होने वाली है। यहाँ पे ये चार टॉप 1200 वाट को ऐसे चलाता है जैसे मक्खन, और यहाँ पे मैं इसकी टेस्टिंग यहाँ पे 3 से 4 दिन अपने लाइव साउंड सिस्टम में करके वो वाली वीडियो मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है ये एम्पलीफायर, और यहाँ पे आप एम्पलीफायर की पैकिंग को देख सकते हैं। कितना छोटा सा एम्पलीफायर आपको देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर इक्वलाइजर या फिर क्रॉसओवर डाल रखा है, लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर एक काफ़ी एक मजबूत हैवी और एक पावरफुल एक एम्पलीफायर इसके अंदर फिट करा गया है, यानी इस बॉक्स के अंदर डाला गया है। तो चलते हैं यहाँ पर फटाफट से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, और ये जो ब्रांड है वो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर, ये कौन सा ब्रांड आपको देखने को मिलेगा। और ये फटाफट से अनबॉक्सिंग देख ले रहे हैं। सिंपल सी बॉक्स पैकिंग है, और यहाँ पे कोई ज़्यादा हमें ये नहीं है कि इसको खोलो उसको खोलो, ऐसा हमें कुछ नहीं देखने को मिलता है। सिंपल से आपको यहाँ पे एम्पलीफायर देखने को मिल जाता है एनलैब्स की ब्रांडिंग के साथ में। ये पावर पोर्ट दे रखा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अच्छी कर रखी है कि प्रोटेक्शन के लिए, यानी बाई चांस अगर आप कहीं दूर दराज से इस एम्पलीफायर को मंगाते हैं, प्रोटेक्शन के लिए आपको एक थर्मोकॉल अंदर प्रॉपर तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। चलते हैं यहाँ पे, मैं फटाफट से एम्पलीफायर आपको दिखा देने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है एम्पलीफायर का फ्रंट पैनल, और फ्रंट पैनल आपको कैसा देखने को मिल रहा है मुझे जरूर से नीचे कमेंट में बताइएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्रॉसओवर है, नहीं दोस्तों ये क्रॉसओवर नहीं है, एक ये हाई पावर एम्पलीफायर आपको देखने को मिलता है। ये चार चैनल पे का एम्पलीफायर है दोस्तों, बेसिकली ये एनलैब्स की तरफ से आता है। यहाँ पे आपको एनलैब्स और यहाँ पे आपको ब्रांडिंग यानी लोगो देखने को मिलता है एनलैब्स का। यहाँ पे आपको मॉडल नंबर मेंशन कर रखा है, ये X6 इसका मॉडल नंबर है, तो आप इस नाम से इसको जान सकते हैं। यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच ऑफ बटन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ग्रिल देखने को मिल जाती है जो कि एयर पास के लिए आपको देखने को मिलती है। साथ के साथ ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके नोब्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी रखी गई है। यहाँ पे जितना भी मटेरियल के अंदर यूज़ करा गया है वो सारा का सारा यहाँ पे यानी मेटल रखा गया है, और यहाँ पे प्रोटेक्ट, यहाँ पे पावर, सिग्नल, क्लिप के लिए अलग अलग इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे चारों चैनल में आपको सेपरेट ऐसे ही देखने को मिलेगा इंडिकेटर। साथ के साथ यहाँ पे आपको ये बड़ी सी डिस्प्ले देखने को मिल रही होगी, उसके ऊपर जस्ट यहाँ पे क्लास डी प्रोफेशनल एम्पलीफायर यानी क्लास डी का ये एम्पलीफायर आपको देखने को मिलता है। उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे AB और यहाँ पे CD के लिए अलग अलग मोड स्विचेस के सिलेक्शन देखने को मिल जाते हैं। चलते हैं यहाँ पे और कुछ डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं बैक पैनल पे, आपको बैक पैनल पे क्या क्या देखने को मिलता है वो डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है पावर इनपुट, यहाँ पे पावर आपको इनपुट का ये सॉकेट देखने को मिल जाता है। जस्ट उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको फ्यूज़ का सॉकेट देखने को मिल जाता है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है सीरियल नंबर, एक्सिस यहाँ पे मॉडल नंबर मेंशन कर रखा है, स्पीगोन बी, स्पीगोन ए, यहाँ पे आपको दोनों अलग अलग स्पीगोन सॉकेट्स देखने को मिल जाता है। साथ के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये चैनल इनपुट, यानी आप XLR से इनपुट कर सकते हैं। काफ़ी हाई क्वालिटी के XLR इसके अंदर यूज़ करे गए हैं, और यहाँ पे जो सॉकेट्स हैं ये भी हाई क्वालिटी के इसके अंदर यूज़ करे गए हैं। यहाँ पे आपको ये स्विचेस देखने को मिल जाते हैं, यानी मोड सिलेक्शन देखने को मिल जाता है। बेसिकली दोस्तों, ये किस काम आता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर L और H दो मोड हैं, तो वो मैं आपको आने टाइम पर बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या इसमें वर्क करता है, ये L और H क्या होता है। और साथ के साथ ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे इस थर्ड और फोर्थ चैनल के लिए इनपुट, और यहाँ पे स्पीकॉन आउटपुट आपको देखने को मिल जाता है। तो चलते हैं यहाँ पे आप देख लेते हैं और इसकी डिटेल्स के बारे में हमें क्या क्या देखने को। तो दोस्तों, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर की साइड, ऊपर की साइड आपको देखने को मिल जाता है एनलैब्स की ब्रांडिंग। साथ के साथ यहाँ पे आपको ब्रांड लोगो भी देखने को मिलता है जो कि रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। और साथ के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं BIS मार्क भी आपको मेंशन कर रखा है, तो आपको BIS मार्क के बारे में पता ही होगा लगभग। BIS मार्क होता क्या है, ये होता है गवर्नमेंट अप्रूव्ड, यानी कोई भी आप इलेक्ट्रिक आइटम्स देखते हैं अगर वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है तो इस पे ये मार्क जरूर होता है। चलते हैं यहाँ पे, मैं आपको कुछ और डिटेल्स के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ तक मैंने आपको दिखाई फ्रंट पैनल और बैक पैनल पे आपको क्या क्या डिटेल्स देखने को मिलती है। यहीं अगर मैं बात करूँ कुछ इसकी पावर आउटपुट की, यहाँ पे आपको पावर आउटपुट क्या क्या देखने को मिलती है, तो यहीं अगर मैं पावर आउटपुट की बात करूँ 8 ओम्स की, तो 8 ओम्स पे आपको H मोड पे देखने को मिलेगा 800 वाट, यानी हर एक चैनल पे
आपको 800-800 वाट देखने को मिलेगा। यहीं अगर मैं बात करूँ एल मोड की, तो यहाँ पे एल मोड पे आपको 450-450 वाट हर एक चैनल पे आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। यहीं अगर मैं बात करूँ ब्रिज आउटपुट की, यहाँ पे आपको 8 ओम्स पे कितनी ब्रिज आउटपुट देखने को मिलती है, तो यहाँ पे आपको दो चैनल पे, यानी आपको दो चैनल यूज़ करने होंगे ब्रिज के लिए। यहाँ पे एक चैनल आपको नहीं मिलता क्योंकि ये 4 चैनल का एम्पलीफायर है। अगर आप 4 चैनल का एम्पलीफायर लेंगे और दो को कंबाइन कर देंगे ब्रिज पावर के लिए, तो आपको दो आउटपुट देखने को मिलेगी। तो दो आउटपुट आपको जो देखने को मिलेगी ब्रिज पे वो मिलेगी 2400 वाट। दोस्तों यहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 4 ओम्स की आउटपुट कितनी होगी, तो यहाँ पे 4 ओम्स पे आपको एच मोड पे देखने को मिलेगी 1400 वाट, यानी हर एक चैनल पे आपको 1400-1400 वाट देखने को मिलेगा। यहीं अगर मैं बात करूँ एल मोड की, तो एल मोड पे आपको देखने को मिलेगा 850 वाट, यानी हर एक चैनल पे आपको 850 वाट 4 ओम्स पे देखने को मिलेगा। आप चाहे तो एल मोड यूज़ करें, चाहे आप एच मोड यूज़ करें, इसको मैं ब्रीफली यानी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसी वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। यही मैं ब्रिज मोड की बात करूँ कि आपको ब्रिज मोड पे कितनी कितनी पावर देखने को मिलती है इस एम्पलीफायर पे 4 ओम पे, तो यहाँ पे आपके पास 4 चैनल है, जैसे कि मैंने आपको बताया आपके पास 4 चैनल है, तो यहाँ पे दो चैनल को मर्ज कर दीजिए और दो चैनल को मर्ज कर दीजिए, तो आपके पास दो आउटपुट हो गई। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये दो चैनल को अगर आप मर्ज करेंगे तो आपके पास दो आउटपुट हो गई, तो दो आउटपुट आपको 4 ओम जो मिलेगी वो मिलेगी 4800 वाट। तो ये काफ़ी हाई जो आउटपुट आपको देखने को मिलती है। आप इस पर हैवी से हैवी स्पीकर भी चला सकते हैं, अगर आप चाहें तो नॉर्मल से नॉर्मल स्पीकर भी इस पर चला सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एल और एच मोड क्या है। बेसिकली दोस्तों ये एच और एल मोड इसलिए बनाया गया है, बाय चांस अगर आपके पास हैवी स्पीकर हो, आपके पास लो स्पीकर हो, यानी आपके पास मान लीजिए अगर आप, जैसे मैं अभी आपको आगे टेस्टिंग में दिखाऊंगा, मेरे पास 1200 वाट की जो टॉप है 600 वाट्स के स्पीकर्स डालेंगे, तो ड्यूल के यहाँ पे आपको मेरे को 1200 वाट स्पीकर इस पर चलाने हैं, तो यहाँ पे एल मोड पे तो आउटपुट कम है क्योंकि 4 ओम्स पे एल मोड पे कितने दे रहा है, मेरे को दे रहा है 850 वाट, लेकिन मुझे जरूरत है यहाँ पे 1200 वाट, तो जाहिर सी बात है मैं फिर यहाँ पे एच मोड यूज़ करूँगा, उस पर मिलता है मेरे को 1400 वाट मिलेगा, तो मेरे लिए जो आउटपुट है वो काफ़ी अच्छी होगी। यहीं अगर मैं बात करूँ, अगर मेरे पास होता है यहाँ पे 4 ओम पे 800 वाट का ड्यूल का जो टॉप है, यानी 400-400 वाट के ड्यूल की जो टॉप होते हैं, अगर मैं उसको बजाना चाहूँ तो 1400 वाट अगर ये डायरेक्ट देता तो मेरे लिए मुश्किल होता, हो सकता था कि मेरा स्पीकर ख़राब हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो एल मोड दिया गया है, इसके कारण आप आउटपुट को कम कर सकते हैं अपने स्पीकर के अकॉर्डिंग। तो 8 ओम्स पे भी यही वर्क करता है और 4 ओम्स पे यही वर्क करता है। ब्रिज पे आपको डायरेक्ट 4 ओम और 8 ओम्स की पावर मिलेगी, इस पे ब्रिज पे कोई एल और एच मोड नहीं होगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। साथ के साथ अगर मैं बात करूँ इसकी जो वेट, यानी इसका जो वज़न है वो है 4.5 किलो, तो काफ़ी 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 कम है, यानी अदर एम्पलीफायर अगर आप देखेंगे तो उससे, मतलब मैंने जितने भी अभी एम्पलीफायर देखे हैं 4 चैनल के, तो उनका वज़न इससे ज़्यादा ही रहता है, लेकिन 4.5 किलो का एम्पलीफायर है। इसको मैं आपको दिखाना चाहूँ कि एक हाथ से आराम से उठा सकता हूँ। तो दोस्तों और डिटेल्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको पावर इनपुट, यानी अगर मैं बात करूँ वोल्टेज की, तो 90 से लेकर आप 250 वोल्टेज तक इस पर रन करवा सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। तो अब कह सकते हैं कि आप स्टेबलाइजर से छुट्टी पा सकते हैं इस एम्पलीफायर के साथ, तो आप कह सकते हैं ये ऑल अराउंडर एम्पलीफायर मुझे देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ देखने को मिलता है। यानी इसकी जो क्वालिटी है वो मैंने सुनी है, वो मैं आपको आने वाले टाइम में, यानी इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा क्वालिटी कैसे आपको देखने को मिलती है। मैं और डिटेल्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे बात करते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहीं अगर मैं बात करूँ ए और बी चैनल और सी और डी चैनल, यानी ए बी चैनल के लिए सेपरेट पावर सप्लाई, सी डी चैनल के लिए सेपरेट पावर सप्लाई, तो इससे ये होता क्या है, ये यानी इसका आपको फायदा क्या मिलेगा। आपको बेसिकली दोस्तों ये फायदा है, बाय चांस अगर आपका ए बी चैनल बंद हो जाता है तो आपका सी डी चालू रहेगा, बाय चांस आपका सी डी चैनल बंद हो जाता है तो आपका यहाँ पे ए बी चैनल चालू रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके इंटरफेस की, यहाँ पे आपको कैसे कैसे क्या क्या देखने को मिलता है वो मैं आपको थोड़ा पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है फ्रंट पैनल और यहाँ पे आपको LCD भी नजर आ रही है, सारे के सारे ये जितने भी बटन्स है ये आपको नजर आ रहे होंगे। तो ए बी के लिए ये 3 बटन्स आपको देखने को मिलेंगे और सी डी के लिए आपको ये 3 बटन्स देखने को मिलेंगे, स्टूडियो पैलर और ब्रिज, स्टूडियो पैलर और ब्रिज, यहाँ पे आपको तीनों में ये देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे ये लॉक है, यानी अगर आप बाय चांस अगर आप चला रहे हो कोई प्रोग्राम, अगर कोई गलती से बटन्स को छेड़ दे तो ये कोई भी इसके अंदर चेंजिंग नहीं होगी जब तक आप इसके लॉक्स को नहीं खोलेंगे, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और साथ के साथ अगर आपको लॉक जो खोलना है तो आपको क्या करना है, इसको 5 सेकेंड तक वेट करके इसको अनलॉक करना है, तो ये ओपन हो जाएगा, ये जैसे कि आपको देखने को मिला ओपन लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। अब आप इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, यानी ए बी चैनल आप देख सकते हैं ए बी लिखा हुआ है, ए बी पे क्या है पैरेलल कनेक्शन कर रखा है,
बाय चांस मुझे क्या करना है, स्टीरियो करना है। अगर मेरे पास ड्यूल इनपुट है ए बी चैनल के लिए तो मैं स्टीरियो कर दूंगा। यहीं अगर मुझे सी डी चैनल के लिए भी स्टीरियो करना है तो यहाँ पे मैं स्टीरियो वाला बटन दबा दूंगा। यहीं अगर मुझे पैरेलल कनेक्शन करना है यानी सिंगल इनपुट से अगर मुझे ये दोनों चैनल चलाने हैं तो यहाँ पे मैं पैरेलल कर दूंगा। यहीं अगर मैं मुझे इस चैनल पे भी यानी ए बी चैनल पे भी मुझे सिंगल इनपुट से ड्यूअल चैनल चलाने हैं तो यहाँ पे मैं इसको भी पैरेलल कर दूंगा। यहीं अगर ब्रिज के लिए चाहिए तो आप ब्रिज पे सिलेक्ट कर सकते हैं तो ये ब्रिज का कनेक्शन हो जाएगा। यहीं अगर मैं बात करूँ मैं तो अभी पैरेलल ही यूज़ करूँगा तो यहाँ पे ये मैंने पैरेलल कर दिया। और इसको लॉक करने के लिए आपको फिर दोबारा वही 5 सेकंड तक ये वाला बटन आपको दबाना पड़ेगा तो ये लॉक हो जाएगा। और अभी आप इसके अंदर कोई भी सेटिंग्स को नहीं छेड़ पाएंगे जब ये लॉक रहेगा, तो कोई भी बटन दबाइए इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और यहाँ पे सबसे अच्छा फीचर जो मुझे लगा ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये आपको वॉल्यूम नंबर शो हो रहा होगा, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है ये आपको वॉल्यूम नंबर शो हो रहा होगा। ये सारे चैनल में आपको शो देखने को मिलेगा कि एक में नहीं, आपको सारे चैनल में, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ ये देखिए ये सारे चैनल में आप ये शो करके देख सकते हैं। तो ये आपको वॉल्यूम्स जितने भी हैं ये कितने कितने वॉल्यूम इसके अंदर खुला है वो सारा शोर रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे एक और डिटेल्स में आपको बहुत ही अच्छी आपको लगेगी। यहाँ पे जैसे कि मैं इसके अंदर पावर ऑन करता हूँ तो ये मैंने यहाँ पे पावर ऑन करी तो ये नॉर्मली जैसे ऑन होता है वैसा आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अभी इस पर पावर ऑफ कर देता हूँ, ये मैंने पावर ऑफ करी, पावर पोर्ट इसके अंदर लगी है। अब मैं यहाँ से पावर पोर्ट निकालूंगा, ये देखिए ये होता क्या है, बाई चांस इसके अंदर जो कैपेसिटर्स होते हैं यहाँ पे आईसीज होती हैं उसके अंदर जो थोड़ी थोड़ी जो पावर्स रह जाती हैं तो वो क्या करता है कि उस सारी पावर को इकट्ठा करके डिस्प्ले पे ला देता है। उससे होता क्या है कि अगर ये एम्पलीफायर जब रिबूट होगा यानी अगर मैं दोबारा लगाऊंगा यहाँ पे और इसको दोबारा ऑन करूँगा तो कोई चांसेस नहीं रहेगा कि वो शॉर्ट सर्किट अंदर होगा। तो इस चीज़ में ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे और यहाँ पे ये फीचर मुझे काफ़ी पर्सनली भी अच्छा लगा। ये देखिए ये पावर पोर्ट मेरे हाथ में है और ये जितनी भी पावर होती है वो सारी की सारी डिस्प्ले में आ जाती है तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। साथ के साथ अगर आप यहाँ पे एक फीचर मैं और आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैं पावर ऑन करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं डिस्प्ले पे आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ मैं जैसे कि आपको दिखाता हूँ ये यहाँ पे आप टेम्परेचर शो हो रहा होगा यहाँ पे 41.9 और 41 आपको सेल्सियस देखने को मिलता है। ये जितना भी ये टेम्परेचर शो होता है और इससे आप देख सकते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना है, कितना हीट हो रहा है, कितना ठंडा हो रहा है, वो बिल्कुल एक्यूरेट आपको एट द टाइम यहाँ पे टेम्परेचर शो करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ओवरऑल आपको यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स है वो समझाने की कोशिश करी। यहीं अगर हम बात करते हैं इसकी जो टेस्टिंग है तो यहाँ पे टेस्टिंग मैंने कैसी करी, बेसिकली दोस्तों यहाँ पे दुर्गा पूजा इवेंट था जो कि मैं कर रहा था दिल्ली के अंदर और यहाँ पे ये एम्पलीफायर मैंने उसको 3 दिन लगातार मैंने यूज़ करा। तीनों दिन के मैं आपको थोड़ी थोड़ी सी क्लिप दिखाऊंगा यहाँ पे लाइव साउंड सिस्टम में जैसे कि मैंने उसको लगा रखा था। चलते हैं टेस्टिंग एक बारी देख लेते हैं। लास्ट नाउ इज ऑफ टाइम इज 11:02। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एम्पलीफायर की टेस्टिंग होने वाली है और ये हमारा एम्पलीफायर लगा हुआ है फिलहाल में। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो सेटिंग्स है वो मैंने पैलर कर रखी है बिकॉज मेरे मिक्सर से सिर्फ 2 ही आउटपुट आती है और यहाँ पे अभी ड्राइव रैक नहीं है और यहाँ पे मेरे पास कोई और अदर इंप्रूवमेंट नहीं है ताकि मैं इसको 4 इनपुट दूँ। तो फिलहाल में ये पैलर में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है और वॉल्यूम्स को मैंने आपको मैं दिखाता हूँ कितने कितने परसेंट्स मैंने खोल रखे हैं और ये आप ये देखिए 15% मैंने यहाँ पर वॉल्यूम्स को ऑन कर रखा है चारों के यहाँ पे आप 15% यानी 15 15 पे मैंने इनको सेट करा हुआ है। और फिलहाल में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास है 4 1200 वाट
और ये 1200 वाट अभी देखने को मिल जाते हैं, ये आप देख रहे हैं। और सिंगल सिंगल सबको कनेक्शन दिया है, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए सिंगल सिंगल सारे कनेक्शन सिंगल सिंगल हमने दे रखे हैं। यहाँ पे कोई भी वैसा नहीं है कि यहाँ पे आपको ड्यूल मिल जाते हैं, ये देखिए ये सारे के सारे हमें सिंगल सिंगल कनेक्शन देखने को मिले। दो इससे निकल गए और यहाँ पे ये इनपुट हो गया, ये भी इनपुट हो गया, और ये जो आउटपुट है हमारे ये मिक्सर से आ गई। तो फिलहाल मैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये पैलर में कर रखे हैं, और ये मैं चला रहा हूँ यहाँ पे एच मोड पे, दोनों को दोनों एच मोड पे ही चला रहा हूँ मैं। पावर ऑन है और यहाँ पे अब करते हैं इनकी टेस्टिंग, और चलते हैं टेस्टिंग देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से मैं गाना प्ले करता हूँ और यहाँ पे अभी तब टेस्टिंग देखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, अच्छी मिल रही होगी आपको। तो दोस्तों कैसी लगी टेस्टिंग, मुझे उम्मीद है पसंद आई होगी, और कैसी थी क्वालिटी आप मुझे ज़रूर नीचे कमेंट में बताना। और मैंने इसको काफ़ी यूज़ करा है, यानी मैंने अभी 1 से 2 वीक हो गया है इसको मैं यूज़ करते हुए। और यहाँ पे एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पे जिसकी जो क्वालिटी थी, और जो मेरे पास जो स्पीकर्स थे यहाँ पे, जो मेरे मॉनिटर्स का स्पीकर था यहाँ पे, मेरे जो टॉप का स्पीकर्स था, और जब मैंने इस एम्पलीफायर को लगाया, और जब जो मैं पिछले एम्पलीफायर यूज़ करता था, और इस एम्पलीफायर को जब मैंने लगाया और जब मैंने सुना इसकी क्वालिटी, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये जो मेरे स्पीकर है ये मेरे ही स्पीकर चल रहे हैं, या इसके अंदर कोई और स्पीकर डाल दिए गए हैं। यानी इतनी क्रिस्टल क्लियर आपको साउंड सुनने को मिलेगी हर एक ऑडियो पे, मतलब आपको जो आप बाकी एम्पलीफायर अगर आप सुनेंगे और इस एम्पलीफायर को सुनेंगे, तो आपको एक क्रिस्टल क्लियर साउंड देखने को मिलेगी। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और क्लास डी है, डिजिटल एम्पलीफायर आप कह सकते हैं, क्लास डी एम्पलीफायर कह सकते हैं, और काफ़ी रिलायबल। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया 90 से लेके 250 वोल्टेज पे वर्क करता है, तो यहाँ पे हर कंडीशन पे ये वर्क करेगा। सर्विस भी आपको अच्छी देखने को मिलती है, 48 आवर के अंदर आपको ये सही होके मिल जाएगा, और बाई चांस अगर ख़राब भी होता है, और यहाँ पे आपको 3 साल की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी भी देखने को मिलती है, 3 ईयर मैन्युफैक्चरिंग वारंटी भी देखने को मिल जाती है। और साथ के साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसको परचेस कैसे करना है, प्राइस यहाँ पे कैसे पता कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको मेंशन हो रहा होगा HVN कंपनी के नाम से, और ये गुजरात महुआ में है, और आप इन कंपनी से परचेज कर सकते हैं ये एम्पलीफायर, और सारी की सारी डिटेल्स, और ये जो ऑफर सर्विस है इसी नंबर पर आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा सारे सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको कैसे परचेज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये एम्पलीफायर अच्छा लगा होगा,
और मैं बिल्कुल से बिल्कुल आपको रिकमेंडेड करूँगा। और आँख बंद करके आप इस एम्पलीफायर को ले सकते हैं, और मतलब क्वालिटी सुपीरियर है। और अगर आप बाकी डी क्लास एम्पलीफायर देखेंगे, अगर आप उससे कंपेरिजन करेंगे, तो इसकी क्वालिटी आपको आई होप अच्छी लगी होगी। बाकी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझसे मिल सकते हैं, तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करिए, फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे मैं आपको अवेलेबल मिलूंगा। और ये वीडियो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए और भी फ्यूचर में ऐसे वीडियोज़ लाने वाला हूँ। मैं आता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।